जानेंगे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हमारा वाटिन धारा या वाटिन धारा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वाटिन धारा क्या होती है? देखिए, ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर, जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर औसत शक्ति क्षय यानी कि पी बार शून्य हो जाता है, वाटिन धारा कहलाती है। मान लीजिए कोई परिपथ है तो उसके अंदर आप धारा प्रवाहित कीजिए और उसमें जो भी औसत शक्ति क्षय है यानी कि पी वेक्टर, पी बार, अगर ये जीरो हो जाए तो समझिए आपकी जो धारा थी वो वाटिन धारा थी। यानी ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर उसमें औसत शक्ति क्षय शून्य हो जाता है, यानी कोई औसत शक्ति क्षय नहीं होता है, इस धारा को हम वाटिन धारा कहते हैं। इसमें जो औसत शक्ति क्षय है वो हमारा हमेशा शून्य रहता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर औसत शक्ति क्षय यानी पी बार शून्य हो जाता है, वाटिन धारा कहलाती है।